मसूरी होटल एसोसिएशन के साथ वाणिज्य कर विभाग और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर सुरेश कुमार ने होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को लग्जरी टैक्स को किस तरह ऑनलाइन भरना है इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को लग्जरी टैक्स देने की बारीकियां भी बताई। हमारा उत्तराखंड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लग्जरी टैक्स की जो रिटर्न्स हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं। जो यहाँ की होटल एसोसिएशन है मसूरी की, इन्होंने भी आग्रह किया था डिपार्टमेंट से कि एक डेमो हमारे लिए होना चाहिए कि एटलीस्ट हमें ये चेंज होने जा रहा है तो हमें पता रहे कि किस तरीके से रिटर्न हमें ऑनलाइन सबमिट करनी है। हमारी बात को यहाँ पर हमारे लग्जरी टैक्स ऑफिसर जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो आज यहाँ मौजूद थे, उन्होंने सब बातें बताई और हमारी बड़े ध्यान से उन्होंने हमारे जो प्रॉब्लम्स को सुना है। ऑनलाइन भी उन्होंने डेमोंस्ट्रेशन दिया और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हमारे मेंबर्स होटलियर जो है इस बात को समझेंगे और ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे कराने लग जाएंगे। वहीं पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को कैसे अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से करना है इसकी भी जानकारी दी। ज्यादा से ज्यादा लोग उस नियमावली के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि कोई रजिस्ट्रेशन में समस्या होती है तो उसके लिए पर्यटन विभाग हमेशा उनकी सहायता के लिए भी तत्पर है और जो हमारा जिला पर्यटन कार्यालय है समयबद्ध रूप से उस पर पंजीकरण की कार्रवाई करे। देवभूमि न्यूज के लिए मसूरी से आशीष भट्ट।